Hi, good morning children of class 3. We are on chapter 7 of your GK books, Rivers of India. River के बारे में आप जानते हैं ना, river एक वो water body होता है जो हमेशा बहती रहती है, right? वो एक ऊपर की height से नीचे की height तरफ बहती रहती है, फिर आगे जाके वो कहीं न कहीं बड़ी नदियों से मिल जाती है और फिर बड़ी नदियों से मिलते मिलते वो बाद में ocean में गिर जाती है. हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में. नदियों से हमें बहुत फ़ायदा होता है, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स हमें नदियों से मिलते हैं, फूड. अब यहाँ पर आपका यहाँ ग्रिड दिया हुआ है, इस ग्रिड में से हमको कुछ रिवर्स के नाम फाइंड आउट करने हैं. पहले हम रिवर्स के नाम देखें. फर्स्ट इज गंगा, सेकेंड इज इंडस, थर्ड इज यमुना, फोर्थ इज दामोदर, फिफ्थ इज ब्यास, सिक्स्थ इज कावेरी, सेवन्थ इज गोदावरी, एट्थ इज सतलुज, नाइन्थ इज नर्मदा एंड टेंथ इज झेलम. ठीक है, अब अगर इनको मैं आपको बोलूँ कि इसमें से ढूंढो तो आपको कुछ मिलेगा नहीं. ऐसे हमको एक ट्रिक से ढूंढना पड़ता है. सबसे पहला नाम क्या है? गंगा. हम गंगा का पहले जी ढूंढते हैं. चलो, फर्स्ट लाइन में जी है क्या? नहीं है. सेकेंड लाइन में जी है? है. अब देखो, इसकी स्पेलिंग ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है. अगर है जी तो आगे देखो, जी ए एन जी ए, आपको क्या मिल गया? गंगा. ठीक है, ऐसे आपको ढूंढना है. नंबर टू, इंडस. शुरू से चलते हैं, अपने को आई ढूंढना पड़ेगा पहले. इंडस का आई नहीं है, यहाँ पर भी ये आई है पर फिर इधर इंडस का स्पेलिंग ही नहीं है. देखो, ये तो कुछ और ही हो रहा है, तो और आई ढूंढते हैं, और कहीं आई होगा. चलो, ये आई आ गया, आई. अब आगे पढ़ते हैं, आई एन डी यू एस, इंडस. ठीक है, हमको नंबर टू क्या मिल गया? इंडस भी मिल गया. नंबर थ्री, यमुना. यमुना का हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? वाई ढूंढना पड़ेगा. चलो, पहले इधर से शुरू करें इस बार. आहा, ये तो एकदम अर्जेंट फटाफट से मिल गया हमको, ये वाई, फिर ए एम यू एन ए, यमुना. ये हमारी देश की बड़ी बड़ी नदियों में से एक है, यमुना, गंगा. सॉरी, ये भी आएगा, ए भी. ठीक है, ये यमुना पूरा हो गया. नाउ फोर्थ वन, दामोदर. दामोदर में हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? पहले डी ढूंढना पड़ेगा. अब डी ढूंढे, पहले डी देखो, यहाँ पर भी डी नहीं है, 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 नहीं है, नहीं है, नहीं है. यहाँ पर डी है बेटा, पहली लाइन में. और यहाँ से अगर हम स्पेलिंग देखें, डी ए एम ओ डी ए आर, दामोदर. आपको यहाँ से स्पेलिंग देखनी है और ऊपर से स्पेलिंग मिलानी है. अगर वो स्पेलिंग सही है तो वो आपको मिल गया. अब आपको देखा, वर्टिकल भी आपको नाम मिल सकता है, हॉरिजॉन्टल भी मिल सकता है. सी द फिफ्थ वन इज ब्यास. ब्यास के लिए हमको पहले बी ढूंढना पड़ेगा. बी यहाँ पर है पर बी ई ए एस तो ना इधर है ना इधर है. अब दूसरी लाइन में बी ढूंढे हम, फिर बी आया लेकिन ब्यास का स्पेलिंग तो अभी भी नहीं आया बेटा. चलो, आगे चलते आगे चलते आगे चलते आगे चलते, बी ई ए एस, ब्यास ढूंढने का है हमको, अभी तक भी नहीं मिला. ओहो, दोबारा ढूंढते हैं ठीक से. चलिए, यहाँ से स्टार्ट करें वापस. बी नहीं मिला, बी, ये बी मिला पर यहाँ ब्यास नहीं है. ये भी नहीं है, यहाँ देखो. अब हमने बी यहाँ देखा, बी ई ए एस, ब्यास. आपको ऐसे ये ब्यास का स्पेलिंग मिल गया. अब आपको मैंने फाइव रिवर्स करके बता दिए, आप फाइव रिवर्स खुद करेंगे. ठीक है, खुद ढूंढेंगे इस ग्रिड में से और मुझे पूरा करके दिखाएंगे. कैन यू डू इट? आई नो यू ऑल आर इंटेलिजेंट. और इस ग्रिड में से आप ये स्पेलिंग्स ढूंढ करके उस पर ब्लॉग बनाएंगे. ऑल राइट, अंटिल देन बेटा. यहाँ देखो, एक क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया. सेक्रेड मतलब सबसे ज्यादा धार्मिक, जो लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, तो वो हमारी कौन सी रिवर है? वो आपको पता है, गंगा. क्या नाम है?
गंगा, गंगा रिवर सबसे ज्यादा सेक्रेड या होली रिवर इस देश में मानी जाती है, ठीक है ना। सो यू ट्राई टू कंप्लीट दिस पेज एंड लेट मी सी यू कैन डू इट और नॉट। आपको नहीं आएगा तो मैं अगली बार बताऊंगी, पर आप ये 5 नेम्स और इस ग्रिड में से ढूंढेंगे, ठीक है। अंटिल देन गुड बाय, सी यू।